Hi guys, hello everyone, a very good afternoon and welcome to Study Lab once again, मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के साथ. ठीक है, a very good afternoon to all of you. तो जितने भी students हैं, एक बार बता दीजिएगा बच्चे की audio video सब clear है क्या? एक बार बता दीजिएगा audio video सब clear है क्या? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. यस, एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ अच्छे से क्लियर है. तो फिर आइए चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बिना किसी भी देरी के. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता भी नहीं है कि आज क्लास होनी है. तो एक बार आप लोगों का अगर कोई ग्रुप ग्रुप बन रखा हो तो आप लोग एक बार उसमें नोटिफाई कर दीजिएगा कि आपकी क्लास शुरू हो चुकी है. एक बार नोटिफिकेशन डाल दीजिएगा कि आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू हो चुकी है. बाकी मैं भी एक बार अपने एंड पर नोटिफिकेशन डलवा दूँ कि आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, वैसे तो आप जब क्लास स्टार्ट होती है तो एप्लीकेशन पर तुरंत आ जाता है नोटिफिकेशन क्लास इज लाइव. ठीक है, राइट, ओके. नोटिफिकेशन नहीं आया तो एक बार नोटिफिकेशन डलवा देती हूँ. मैंने नोटिफिकेशन डालने को बोल दिया टीम से, वो नोटिफिकेशन डाल देगी. एंड आइए चलिए शुरुआत करते हैं. तो बेटा हम अगर बात करते हैं टॉपिक की अपने, तो टॉपिक हम लोगों ने मिरर इमेज देखा था फ्राइडे को, जब हमने फ्राइडे को नहीं, जब हमने लास्ट क्लास दी थी लास्ट सैटरडे को, तो हमने मिरर इमेज कंप्लीट किया था. मिरर इमेज कंप्लीट क्या किया था, एक्चुअली मिरर इमेज मैंने आपको बताऊं, मिरर इमेज में हम लोगों के अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस हमने किए थे, लेटर वाले क्वेश्चंस किए थे, अल्फा न्यूमेरिक के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, मतलब बहुत ही थोड़े क्वेश्चंस. इसमें कंफ्यूजन आ रहा था स्टूडेंट्स को, और फिगर वाला हम लोगों का मिरर इमेज बचा था. तो अल्फा न्यूमेरिक के आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिगर वाले मिरर इमेज देखेंगे, उसके बाद हम वाटर इमेज पे आएंगे. एंड वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी हमने सीख ही लिया था अपने पहले वाली क्लास में. तो आप लोगों को बेसिकली सिर्फ प्रैक्टिस है, ये इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस सेशन. ठीक है, तो आप लोगों के लिए और कुछ भी नहीं है. क्लास क्यों नहीं हो रही थी इससे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि क्लास जब से मैं लौट के आई हूँ ट्रिप से, ठीक है, केदारनाथ से, तो वहां पे दर्शन तो बड़े अच्छे से हो गए थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था. बस तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि एकदम से ठंडा गर्म हो गया था ना. नॉर्मली हम लोग प्लेन्स पे रहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, पहाड़ों पे, वो भी 11,500 फीट ऊपर, तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर था वहां पे, दो तीन डिग्री के करीब टेम्परेचर था, जिस वजह से मेरी तबियत बहुत जल्दी खराब हो जाती है. आप जानते हो माइग्रेन की दिक्कत है तो तबियत सबसे पहले खराब होती है. तो तबियत बहुत खराब थी, इस वजह से आपकी कल क्लास नहीं हो पाई थी. तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि उसकी क्लास कल नहीं लगी, तो बेटा कल क्लास ही नहीं लगी, इस वजह से आप लोगों को क्लास मिली नहीं थी कल. ठीक है, तो आइए चलिए, हाँ, आज मिरर इमेज का बचा हुआ थोड़ा सा पोर्शन एंड वाटर इमेज ये देखेंगे हम. ठीक है, तो टॉपिक आपका वाटर इमेज दिख रखा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, मिरर इमेज का थोड़ा सा पोर्शन जो बचा हुआ था वो करेंगे एंड देन वाटर इमेज करेंगे. ठीक है, चलो आ जाओ शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है अल्फा न्यूमेरिक वाटर इमेज का, एक फिगर टाइप का दे रखा है, अल्फा न्यूमेरिक वाटर इमेज का क्वेश्चन है. ध्यान से देखिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देख के बच्चे आंसर करने की कोशिश कीजिएगा. आज कमेंट्स ऑफ है, तान्या बिल्कुल भी नहीं, कमेंट्स ऑन है, सबके कमेंट्स ऑन है. आपकी तरफ अगर नेट का इशू होगा तब प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, अच्छा देखो हम बात करते हैं अगर मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन में एक ही टेक्निक लगनी होती है. ठीक है, एक ही टेक्निक लगनी होती है, वो मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया था. अभी वो टेक्निक क्या होती है, वो टेक्निक का एक बार रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे काफी दिन से नहीं हुई है क्लास तो आप लोग भूल सकते हो. देखो मान लो ये कोई फिगर दे रखा है, अगर मिरर आपका राइट या फिर लेफ्ट तरफ बना है, अगर मिरर आपका राइट या लेफ्ट तरफ बना है तो लेफ्ट की चीज राइट चली जाएगी और राइट की चीज लेफ्ट आ जाएगी. इसको हम बोलते हैं मिरर इमेज, इसको हम लेटरल मिरर इमेज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लेटरल मिरर इमेज. ठीक है, नॉर्मल मिरर इमेज या फिर हम लेटरल मिरर इमेज ही बोलते हैं. अगर कभी क्वेश्चन में बोल रखा हो कि एक फिगर की मिरर इमेज निकालिए और ना दे रखा हो कि इमेज आपका राइट साइड है या फिर आपका लेफ्ट साइड है, तो हमेशा हम मान के चलते हैं कि राइट या लेफ्ट में ही रखा होगा. लेकिन इसी जगह पे अगर आपको क्वेश्चन में कभी कोई ऐसा सवाल मिल जाए कि आपका ये फिगर है और मिरर ऊपर टॉप पर या बॉटम में रखा है, अगर फिगर में मिरर टॉप पर या बॉटम में रखा है तब क्या चेंज आएगा? तब आपकी टॉप की चीज बॉटम में एंड बॉटम की चीज टॉप में चली जाएगी. ठीक है, तब आपकी टॉप की चीज बॉटम एंड बॉटम की चीज टॉप में चली जाएगी. और ये जो चेंज होता है ना, जैसे इससे पहले वाले को हम लेटरल मिरर इमेज बोलते थे, इसको हम
हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज के साथ ही साथ यही वो चीज है बेटा जिसको हम वॉटर इमेज भी बोलते हैं. ठीक है, इसी को हम वॉटर इमेज भी बोलते हैं, जहां पे टॉप का बॉटम एंड बॉटम का टॉप में जाता है और साइड चेंज नहीं होता है. साइड चेंज नहीं होगा यानी कि लेफ्ट राइट में कोई फर्क नहीं आएगा. लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, ये होता है हमारा वॉटर इमेज. ये होता है हमारा वॉटर इमेज जहां पे टॉप की चीज बॉटम, बॉटम की चीज टॉप में चली जाती है, साइड में कोई चेंज नहीं आता है. तो ये होता है हमारा मिरर इमेज. इसको हम हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज या फिर वॉटर इमेज के नाम से जानते हैं. तो ये होता है हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था. लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट क्लास नहीं करी थी या फिर बहुत दिन पहले करी थी तो भूल गए, तो कोई बात नहीं, अभी देख लो. ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा रिविजन था. अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया था मिरर इमेज चूज करनी है. मिरर कहाँ रखा है, कहाँ नहीं रखा, नहीं पता. अगर पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं, तो नॉर्मल सी बात है आपका लेफ्ट या राइट में ही होगा. तो फिर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो लगता है मिरर इमेज का वही लगेगा कि लेफ्ट की चीज राइट. आपने देखा बी बन रखा था लेफ्ट में, अभी बी आएगा राइट में. सारे ऑप्शंस में बी राइट में है. ठीक है, बी के बाद वी था, बी से यहाँ पे आपका वी आना चाहिए. यहाँ पे वी का क्या है, वी यहाँ पे टेढ़ा हो गया है, बल्कि वी की मिरर इमेज चेंज नहीं होगी. ठीक है, फिर आपने देखा सब में सी है, सब में जेड है. फिर आती है बात टू की. बेटा टू की बात आती है तो टू की मिरर इमेज कैसे बनेगी? टू की जो लाइन थी वो राइट साइड निकली थी ना, अभी लाइन लेफ्ट साइड आ जाएगी. टू की मिरर इमेज ऐसे बनेगी, यहाँ तो टू देखो उल्टा हो गया. ऑप्शन नंबर बी में टू क्या हो गया? उल्टा हो गया. वन सही बना था. बात आती है क्यू की. बेटा क्यू की जो लाइन है ये राइट साइड है, अभी लाइन आपकी राइट लेफ्ट साइड आएगी. क्यू की लाइन आपकी क्योंकि लाइन आपकी राइट साइड थी, अभी क्यू की लाइन आपकी लेफ्ट साइड आनी चाहिए. तो यहाँ पे आपने देखा था यहाँ पे एफ भी उल्टा बना और क्यू भी रिवर्स हो गया. क्यू भी रिवर्स हो गया, एफ भी उल्टा बना, तो यहाँ पे हमारी गड़बड़ हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे फिगर सी में भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे राइट साइड अगर निकला तो यहाँ पे लेफ्ट साइड निकलना चाहिए था. तो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें तो सी है, अदरवाइज इसमें सी में भी प्रॉब्लम है क्योंकि लेफ्ट साइड निकलना चाहिए था. ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से होना चाहिए क्वेश्चन का सही जवाब. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से होना चाहिए क्वेश्चन का सही आंसर. ठीक है, सी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. जिसने भी सी मार्क किया 100% करेक्ट है. अभी कॉन्सेप्ट हमने दोबारा से ब्रश अप कर लिया, तो आओ क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को दोबारा से रिवाइज करा दिया. ठीक है, चलो आ जाओ. देखो यहाँ पे मिरर इज केप्ट एट द राइट, राइट साइड रखा है. क्वेश्चन में ही बोला ना मिरर इज केप्ट एट द राइट, राइट साइड रखा है मिरर. और देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था. Y आपका है, Y की मिरर इमेज बनेगी. यहाँ तो Y उल्टा हो गया, हटा दो इसको. Y उल्टा हो गया, एक ऑप्शन हटा दिया हमने. फिर आ जाते हैं R पे. R की डंडी राइट साइड है, R उल्टा थोड़ी ना हो जाएगा, हटा दो इसको भी. दो ऑप्शन अपने पास बचे. फिर उसके बाद E, D है. फिर F देखो, F यार ऐसे है तो F ऐसे बनेगा ना, उल्टा थोड़ी ना हो जाएगा. इसमें उल्टा हो गया, ऑप्शन नंबर D बचा. ऑप्शन नंबर D बचा, वही हो गया क्वेश्चन का सही जवाब. ऑप्शन नंबर डी बचेगा ना आपके क्वेश्चन का सही आंसर. एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम 100% सही जवाब है. ऑप्शन नंबर डी इजी करेक्ट. अगले सवाल पे देखते हैं. अगला क्वेश्चन देख के बताइएगा. फिगर दे रखा है आपको, मिरर इमेज बताना है व्हेन मिरर इज केप्ट एट द राइट साइड. मिरर इज केप्ट एट द राइट साइड, बताइए. देखो जी यहाँ पे है, अब जी आएगा राइट साइड. चलो जी सब में राइट साइड था. फिर बात आती है जे की. बेटा तो जे आपका अगर लेफ्ट घूमा है तो ये राइट घूम जाएगा, राइट घूम जाएगा, उल्टा थोड़ी ना हो जाएगा. उल्टा नहीं हो जाएगा, एक ऑप्शन आपका चला गया. फिर आता है सेवन. सेवन भी उल्टा थोड़ी ना हो जाएगा, ये भी आपका चला गया. सी और डी चले गए, दो ऑप्शन चले गए, दो आंसर कभी नहीं हो सकते. ए और बी में से कोई आंसर होगा. फिर देखते हैं फाइव दोनों में सेम था, फिर थ्री दोनों में सेम था, फिर एफ यहाँ पे उल्टा हो गया. एफ यहाँ पे एकदम ही अपसाइड डाउन हो गया, ये नहीं होगा. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब. ऑप्शन नंबर ए बिकम्स दी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे. अगला क्वेश्चन देख के बताइएगा. मिरर इज केप्ट एट द राइट साइड, मिरर आपका राइट साइड रखा है. ध्यान से बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. इसमें बताइएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर. मिरर इमेज हम लोग फटाफट निपटाते हैं ताकि हम लोग वाटर इमेज के क्वेश्चंस पे आ जाएं. हालांकि वाटर इमेज वाले क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे कुछ, आगे आज और प्रैक्टिस कर लेंगे. देखो आपका सिक्स है हर जगह, यहाँ नाइन है, हटा दो. फोर का रिवर्स होना चाहिए, यहाँ तो इन्होंने उल्टा कर दिया, इसको भी हटा दो. ई भी उल्टा बनना चाहिए, ई का भी तो मिरर इमेज बनेगी. यहाँ पे ई सीधा सीधा लिखा, ये भी हटा दो. एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी. हो गया क्वेश्चन का सही जवाब.
एक ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी, वही हो गया आपके क्वेश्चन का सही जवाब, हुआ कि नहीं हुआ, है ना? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन और नॉट? क्लियर है? बताओ सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है तो सारे के सारे एक बार यस लिख दो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे दिख तो पाए कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। यस 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 यस, एक बार भर दो कमेंट सेक्शन को यस से, फटाफट से यस लिख दो कमेंट सेक्शन में एक बार, जल्दी से बच्चे सारे के सारे स्टूडेंट्स। बताओ बच्चे, यस 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 आ रहा है? आओ देखें यहाँ पे, यस सबको क्लियर हो रहा है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। अब हम फिगर के कुछ मिरर इमेज देखते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हमको अपने एग्जाम में ना अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक एंड फिगर वाले मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक एंड फिगर वाले मिलेंगे। टेस्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चन थे। हाँ टेस्ट में हार्ड क्वेश्चन थे, मुझे पता है। बैंकिंग के लिए पजल की क्लास होगी क्या? पजल की क्लास होगी आपकी। अब आप उसको बैंकिंग के लिए अगर यूज करना है तो आपको बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अलग से, क्योंकि यहाँ पे हम बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराएंगे बच्चे, ठीक है? चलो आ जाओ, पजल्स मैं लूंगी आप लोगों का, पजल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी, बेसिक्स कराऊंगी, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, मॉडरेट लेवल के भी कराऊंगी, लेकिन बैंक में हार्ड हाई लेवल आता है वो एसएससी में नहीं आता, इस वजह से बैंक के लेवल की नहीं हो पाएगी, ठीक है? आप इस क्वेश्चन को देख के आंसर करो। सिंपल सी बात है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट जाना है, जाना है कि नहीं? अब देखो यहां पे जो ऊपर वाला फिगर था वो राइट साइड की तरफ निकला था, अब ये लेफ्ट तरफ निकलेगा। यहां देखो अभी भी राइट निकला है, हटा दो, अभी भी राइट निकला है, हटा दो। ऊपर वाले फिगर में आपने देखा लाइंस कैसी थी, सीधी लाइंस बनी थी, सीधी लाइन बनी थी, यहां तो तिरछी लाइन बनी है, ये भी हटा दो। दो ऑप्शन चले गए अपने पास से, ठीक है? दो ऑप्शन अपने पास से चले गए। अब देखते हैं हम, अब हमें क्वेश्चन में देखना था, आपने क्या देखा क्वेश्चन में, आपसे बन रखा है पीछे वाला छोटा है, अभी आगे वाला छोटा होना, पीछे वाला छोटी लाइन है, आगे वाली बड़ी लाइन है। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड छोटी लाइन है बेटा, तो राइट साइड आपकी छोटी लाइन आनी चाहिए थी और आगे आपकी आनी चाहिए थी बड़ी लाइन, यही तो होना चाहिए था ना। अगर यहाँ पे लेफ्ट तरफ छोटी थी तो अब की बार राइट तरफ छोटी और लेफ्ट तरफ बड़ी लाइन आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए ना फिगर का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए क्वेश्चन का सही आंसर कि नहीं होना चाहिए? लैग हो रहा है बेटा, लैग हो रहा है, एक बार आप रिफ्रेश कर लो। वैसे लैग अगर होगा तो बहुत ज्यादा देर तक नहीं होगा, लैग अगर हो रहा है तो रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, ठीक है? बैंक ज्यादा हार्ड है एसएससी सीजीएल, मेरे हिसाब से बैंक, मैं बैंक बोलूंगी, बैंक ज्यादा हार्ड है, एसएससी निकालना ईजी है। लैग 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 है, लैग है, लैग है, लैग है बेटा, तो लैग है तो आपको आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर लैग हो रहा है तो रिफ्रेश कर लो एक बार, लैग लैग बोलने से लैग नहीं जाएगा, लैग हो रहा है तो रिफ्रेश करने से लैग जाएगा। और हमारे एंड से नेटवर्क का कोई इशू होता तो भी हम आप लोगों को बता देते कि नेटवर्क इशू है, इस वजह से शायद हो रहा है। मैं नेटवर्क एक बार फिर भी चेंज करके देख लेती हूँ, ठीक है? आप देख लो आपके तरफ से अगर इश्यू है तो, रिफ्रेश करने से आ गया, रिफ्रेश करने से बच्चे अगर आ गया है तो एक बार आप रिफ्रेश करके देख लो, एक बार सारे के सारे स्टूडेंट्स रिफ्रेश करके देख लो। रिफ्रेश कर लो, ठीक हो जाएगा लैग अगर आ रहा है तो, ठीक है? अभी ठीक है, अभी ओके है, अभी ओके है तो सारे के सारे एक बार ओके लिख दो कमेंट सेक्शन में, अभी ओके है तो एक बार ओके लिख दो, तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? ना ओके 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 ओके, एकदम बढ़िया से ओके है, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। बताइएगा बच्चे यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन का सही जवाब। करेक्ट मिरर इमेज ढूंढनी है आपको, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज। चलिए आइए एबीसीडी में से बताते हैं, देखते हैं। मिरर इमेज ढूंढना सबसे आसान काम होता है। आपने देखा ये
जे था लेफ्ट तरफ, अब ये जे आएगा राइट साइड, राइट साइड आना चाहिए, यहाँ तो ऊपर चला गया, ठीक है। और ये जे है ना बेटा, जे की मिरर इमेज कैसे बनती है, जे की मिरर इमेज ऐसे बनती है, यहाँ देखो ये कैसे बना है, ये तो हुक बन गया और यहाँ पे भी हुक बन गया, दोनों जगह मिरर इमेज ही जे की गलत है। जे की मिरर इमेज सिर्फ एक ऑप्शन में सही थी, ऑप्शन नंबर ए में, यही होगा क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। बस जे की एक छोटी सी मिरर इमेज से हमने देख के आंसर कर दिया कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देख के आंसर करो, क्वेश्चन देख के बताओ बच्चे क्या होगा सही जवाब, करेक्ट मिरर इमेज क्या होगी इसकी, वॉट विल बी द करेक्ट मिरर इमेज ए बी सी डी में से बताइए। चलिए आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपसे था ये जो फिगर है ऊपर वो राइट तरफ टिल्ट है, अभी वो लेफ्ट तरफ टिल्ट होना चाहिए, यहाँ पे देखो अभी भी राइट टिल्ट है, यहाँ पे अभी भी राइट टिल्ट है, दो जगह राइट टिल्ट था अभी भी हटा दिया हमने। अभी देखो अंदर की लाइंस भी तो देखो, अंदर की लाइंस आपकी क्या थी, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट आ रही थी, अब मिरर इमेज में लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट और लेफ्ट से राइट जाएंगी, यहाँ पे अभी भी राइट से लेफ्ट आ रही है, देखो ये भी ऑप्शन चला गया, लेफ्ट से राइट जा रही थी ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए फिगर इमेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से टिपिकल लगते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो ये छोटी 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 पॉइंट्स होते हैं वो मिस कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कई लोग ए बोल रहे हैं, ए गलत है बेटा आपका, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ए इज नॉट द राइट आंसर। आपने सिर्फ फिगर देखा आपको लगा ए और सी तो सेम है, लेकिन बेटा अंदर की लाइंस अगर आप देखो तो अंदर की लाइंस का भी तो पैटर्न चेंज होगा, तो यहाँ पे तो पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ओके इन इजी वन, एन इजी वन, ध्यान से क्वेश्चन को देख के आंसर करो, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है, यहां से सारी किरणें निकल रही हैं लेफ्ट साइड से, अभी सारी किरणें निकलनी चाहिए राइट साइड से, राइट वो भी नीचे से, यहाँ पे ऊपर से, ऊपर से राइट नीचे से निकलनी चाहिए सारी किरणें। अब देखो कितनी लाइंस थी, एक दो तीन चार, चार लाइन थी ना, तो यहाँ पे एक दो तीन चार पांच लाइंस है, ये भी हटा दो, चार लाइंस कहाँ थी, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ कुछ लोगों को ये सबसे ईजी लगता है, एक्चुअली मुझे भी सबसे इजी यही लगता है, अल्फा न्यूमेरिक को ये सब थोड़े फिर भी टिपिकल है, लेकिन ये सबसे इजी लगता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करिए, अगला क्वेश्चन देख के बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस वन। चलो ध्यान से बच्चे इस क्वेश्चन को देख के आंसर करो, बोला क्या गया है यहां पे, राइट साइड बन रखी है दो डॉट्स, अभी लेफ्ट साइड आने चाहिए यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे अभी भी राइट साइड है, दो ऑप्शन चले गए। अभी देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड था इसका, ये राइट साइड है, ठीक है, दोनों फिगर में डिफरेंस क्या है, दोनों फिगर में डिफरेंस है आपके इसकी विड्थ का, मतलब ये देखो ये थोड़ा सा पतला है और यहाँ पे आपका ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, ठीक है, ये आपका इसका साइज और इसका साइज में डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, बस इसकी चौड़ाई का फर्क है, यहाँ पे सिर्फ आपकी चौड़ाई का फर्क यहाँ पे निकल के आ रहा है। आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो ये आपका सिमिलर लाइन में, एक सेम लाइन में आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं एक सेम लाइन में, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया, आपका ऑलमोस्ट सेम लाइन में आ रहा है, देखो ये तो सेम है और हल्का सा टिल्ट है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही टिल्ट हो गया, सेम है और हल्का सा टिल्ट है, यहाँ कुछ ज्यादा ही टिल्ट हो गया, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, यस सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, बी नहीं होगा। चलो आ जाओ अगला सवाल आपको दे रखा है वॉटर इमेज का, अब ये क्वेश्चन वॉटर इमेज का, आप कहोगे मैम ये कैसे क्वेश्चन में तो दिख रखा है मिरर इमेज, बेटा अभी बताया अगर मिरर टॉप पे या बॉटम में रखा हो तो ये वॉटर इमेज ही होती है, इसमें क्या करना होता है, टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप और साइड चेंज नहीं होंगे, बस इतनी सी चीज करनी है, आओ करके देख लो, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप करना है, साइड चेंज नहीं करने हैं, देख लो करके। आपने देखा टॉप में दे रखा था एक ट्राइंगल, अब बॉटम में एक ट्राइंगल आ जाएगा, एक ट्राइंगल उसके नीचे एक और ट्राइंगल, यहां पे तो नहीं था, एक ट्राइंगल उसके नीचे एक और ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर बी, ट्राइंगल के नीचे एक ट्राइंगल नहीं था, यहां तो टेढ़ा ही हो गया था, ऑप्शन नंबर बी हो गया ना क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो गया ना आपके क्वेश्चन का सही आंसर, बताइए क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर, क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कई लोग यहां पे सी भी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी इज नॉट द राइट आंसर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे,
एबीसीडी में से आंसर करेंगे क्वेश्चन को देख के। आपने देखा ये लेफ्ट तरफ बन रखा था, अभी राइट साइड आना चाहिए। यहाँ पे अभी भी लेफ्ट है, यहाँ पे अभी भी लेफ्ट है, राइट साइड आना चाहिए। और राइट साइड कैसे यार, ये पीछे की तरफ खुला है, तो अब की बार अगर ये लेफ्ट की तरफ खुला है तो अब की बार राइट की तरफ खुला होना चाहिए। राइट की तरफ खुला कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। बस एक छोटा सा फिगर उठाया, उसको देख के ही हमने चार में से तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, एक ऑप्शन बचाया ऑप्शन नंबर डी, वही हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना आपके क्वेश्चन का सही आंसर। कुछ लोग बोल रहे हैं बी होगा, डी होगा बेटा क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मिरर इमेज बताओ, मिरर इमेज बताओ इस क्वेश्चन में, बताओ क्या होगा। मजा आ रहा है ना सबको, सबको मजा आ रहा है ना। क्विकली आंसर करिएगा, बताइए यहां पे मिरर इमेज कैसी बनेगी इसकी। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होना है, ध्यान से। क्वेश्चन आपका बहुत छोटा सा है लेकिन आंसर के गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। रीजन उसका समझिएगा, क्योंकि स्टूडेंट ना लाइन नहीं पकड़ते हैं, अंदर की जो लाइन है अगर वो पकड़ लें तो आंसर तुरंत आ जाए। आपने देखा आपकी ये टिल्टेड था, ठीक है, लाइन आ रही थी राइट से लेफ्ट, अभी जाएगी लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, राइट यहां आ रही, यहां अभी भी राइट से लेफ्ट आ रही है, हटा दो, यहां अभी भी राइट से लेफ्ट आ रही है, हटा दो। दो ऑप्शन आपके हट गए, दो ऑप्शन आपके हट गए। अब देखो बच्चे, दूसरा जो आपका बचा हुआ था, ये जो पूरा फिगर था बेटा, ये राइट से लेफ्ट की तरफ टेढ़ा था, अब की बार लेफ्ट से राइट की तरफ टेढ़ा होगा, यहां पे अभी भी वैसे ही टेढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिकम्स दी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बी बोल रहे हैं कई लोग, ए होगा बच्चे आपके क्वेश्चन का सही जवाब। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है लेकिन आप लोगों का कंफ्यूज आंसर आएगा, आप लोगों के जो मिक्स आंसर आएंगे इस क्वेश्चन में, मुझे पता था कंफ्यूजन आपको होगा। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को देख के आंसर करते हैं। आओ ध्यान से देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा था आपसे, बोल रखा है कहां रखा है मिरर, नीचे बॉटम में, तो क्या करना है, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, ये करना था। अब देखो, और साइड कभी चेंज नहीं होने, आपने देखा अगर ट्राइंगल लेफ्ट साइड है तो वो लेफ्ट साइड ही रहेगा, वो राइट साइड नहीं जाएगा, राइट साइड कभी नहीं जाएगा, क्योंकि साइड आपके कभी भी चेंज नहीं होंगे, साइड कभी भी चेंज नहीं होंगे, तो दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब आते हैं कि इन दोनों में से सही कौन सा होगा। आपने देखा ट्राइंगल अगर टॉप वाले पोर्शन में है तो वो बॉटम वाले पोर्शन में आएगा ना, क्योंकि कहां रखा है मिरर, कहां रखा है मिरर, यहां रखा है, यहां रखा है, बॉटम में रखा है मिरर, मतलब वॉटर इमेज का लॉजिक लग रहा है। ये हटा दो, ऑप्शन नंबर डी बचा, वही हो गया ना क्वेश्चन का सही जवाब, डी बचा वही हो गया क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे, फटाफट से बताइए, अभी समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, है ना। एबीसीडी में से बताइए क्या होगा सही जवाब। यहाँ पे देखो राइट साइड बन रखा था ये आधा चांद, अभी लेफ्ट साइड आना चाहिए, यहाँ पे अभी भी राइट साइड आ रहा है, हटा दो, लेफ्ट साइड आना चाहिए टॉप पे, लेफ्ट साइड टॉप पे कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी हो गया ना सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया ना क्वेश्चन का सही आंसर, बस डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करिए, बताइए व्हाट इज द करेक्ट वन, क्या होगा यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब। एबीसीडी में से बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो आओ देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एरो आपकी ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी, एरो नीचे नहीं आ जाएगी, दो ऑप्शन चले गए, ये आपका डॉट लेफ्ट साइड है तो ये राइट जाएगा, लेफ्ट थोड़ी ना रहेगा, राइट साइड चला गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन का सही जवाब, बताओ ऑप्शन नंबर सी हो गया ना क्वेश्चन का सही आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट है, एकदम 100% सही जवाब है जिसने जिसने भी दिया है। चलो आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करिएगा, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करिएगा, देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या था, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपने देखा लेफ्ट वाला एरो था नीचे की तरफ, अब ये राइट चला जाएगा, नीचे की तरफ पॉइंट कहां कर रहा है,
सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। टॉप वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट साइड था एरो, अभी ऊपर वाली लाइन में राइट साइड आना चाहिए एरो, यहां ऊपर वाली लाइन में है नीचे की तरफ, ऊपर वाली लाइन में नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर वाली लाइन में नहीं है नीचे की तरफ, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, आ गया समझ में, बी हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करो, बढ़िया सवाल, लाजवाब सवाल है, मजा भी आ रही होगी करने में है ना। आओ देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या था, आपने देखा सर्कल राइट साइड है, भी सर्कल लेफ्ट साइड आएगा, यहां नीचे है, यहां ऊपर है, यहां कहीं और ही है, सर्कल लेफ्ट साइड कहां आ गया, ऑप्शन नंबर ए में आ गया, ऑप्शन नंबर ए में आ गया, ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, समझ में आया, ए हो गया क्वेश्चन का सही जवाब। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे, अगला क्वेश्चन देख के बताइए व्हाट्स द करेक्ट आंसर टू दिस वन। जल्दी से बताओ बेटा यहां पे क्या होगा क्वेश्चन का सही जवाब एबीसीडी में से, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ध्यान से बताना बच्चे क्वेश्चन में क्या बोल रखा था। अभी देखो ये लाइन कहां थी, जा रही थी राइट साइड थी, अभी लाइन आपकी लेफ्ट साइड, सिंगल लाइन आपकी लेफ्ट साइड यहां नहीं आ रही है, सिंगल लाइन आपकी लेफ्ट साइड जहां पे खाली पोर्शन है वो आनी चाहिए, यहां पे खाली पोर्शन नहीं था, ये दो ऑप्शन आपके चले गए, दो ऑप्शन हमारे चले गए। ऊपर देखो राइट साइड निकली थी तीन हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी तीन हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी लेफ्ट साइड कहां आ रही है, ऑप्शन नंबर ए में आ रही है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपके क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है चलो अगले सवाल पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे, क्वेश्चन को देखो ध्यान से आंसर करने की कोशिश करो। अब देखो इधर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ऊपर की तरफ का जो ट्राइंगल है वो लेफ्ट तरफ है, अभी ऊपर की तरफ वाला ट्राइंगल राइट साइड जाएगा, राइट साइड है ऊपर की तरफ वाला ट्राइंगल सब में, नीचे वाला राइट था अभी लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे अभी भी राइट है, एक ऑप्शन चला गया। ठीक है अभी लाइन देखो यहाँ पे स्लैंट लाइन है दो, स्लैंट लाइन दो होनी चाहिए आपकी, और इधर आपकी स्ट्रेट लाइन है दो, स्ट्रेट लाइन दो है क्या यहाँ पे, इधर अभी भी स्लैंट है, यहाँ पे अभी आपकी दो स्ट्रेट लाइन है ना, हाँ दो स्ट्रेट लाइन है आपकी। ठीक है चलो फिर उसके बाद अब बात आती है हमारी अंदर की लाइंस की, तो बेटा अगर आपका ट्राइंगल राइट साइड फेस कर रहा है तो ट्राइंगल आपका लेफ्ट साइड रहेगा, लाइंस आपकी कहाँ आ रही है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, अभी लाइंस आनी चाहिए आपकी राइट से लेफ्ट, यहाँ पे आपकी राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट और राइट से लेफ्ट आ रही है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है डी इज दी करेक्ट आंसर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देख के बताओ, डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्या मतलब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है,
आंसर करो बच्चे जल्दी से. वीडियो वीडियो स्टक है, वीडियो स्टक है. अच्छा एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा. एक बार रिफ्रेश करके देखो अभी सही हुआ क्या. बी 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 आंसर कर रहे हैं इसका. ठीक है अभी देखो मैंने बोला था ना एक बार रिफ्रेश कर लो सही हो जाएगा. चलो आओ देखें यहाँ पे बी आंसर कर रहे हैं सब लोग. आपने देखा लेफ्ट साइड बन रखा है उल्टा पी. अभी सिर्फ इस फिगर को देखते हैं. अभी राइट साइड आ जाएगा आपका सीधा पी. राइट साइड सीधा पी है ठीक है. फिर उसके बाद ऊपर वाली रो अगर आप देखो ना एक चीज और, अगर इस तरीके का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो तो ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करते हैं. ऊपर वाली रो में सारे ऑप्शंस में चीजें सेम हैं. अब बात करते हैं हम सेकंड रो की. यहाँ पे है डी. डी की मिरर इमेज कैसे बनेगी? बी. डी की मिरर इमेज बनेगी बी. तो कैसा बी बनेगा? यहाँ तो बी था नहीं, यहाँ पे बी था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे बी था. चलो एक ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो गया. फिर उसके बाद फिर ये देखो ये इससे हमने एलिमिनेट कर दिया. इसके बाद बाकी फिर आते हैं ये. यहाँ पे सीधा पी बन रखा है, सीधा पी का उल्टा पी बनेगा. उल्टा पी है यहाँ पे, उल्टा पी यहाँ पे भी उल्टा पी. ठीक है यहाँ पे अब देखो डी बन रखा है ना, शेडेड डी. तो शेडेड डी की मिरर इमेज क्या बनेगी? शेडेड बी. शेडेड बी यहाँ है, शेडेड बी यहाँ, यहाँ शेडेड बी नहीं है, ये ऑप्शन भी चला गया. चार में से अपने दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए और दो रोज भी हमने कंप्लीटली देख ली. ठीक है अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वाले पे आते हैं. नेक्स्ट वाले पे आते हैं देखते क्या था. पी है यहाँ पे सीधा राइट साइड, अभी लेफ्ट साइड पी आना चाहिए, वो भी शेडेड, वो भी उल्टा. यहाँ पे देखो उल्टा नहीं आ रहा था. ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब. ऑप्शन नंबर टू बिकम्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है चलो टू हो गया क्वेश्चन का सही जवाब. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगला क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं. अगला क्वेश्चन ध्यान से देख के आंसर करिएगा. अगला क्वेश्चन ध्यान से देख के आंसर करिएगा. ABCD में से आंसर करेगा. व्हाट्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. राइट साइड बन रखा है एक ट्रायंगल. ट्रायंगल आपका सीधा है, सीधा ही रहेगा, उल्टा नहीं हो जाएगा. लेफ्ट साइड सीधा ट्रायंगल आ रहा है ठीक है. उसके बगल में था एक सिंग, एक सादा सा सर्कल. सादा सर्कल आना चाहिए यहाँ पे, शेडेड सर्कल नहीं होना चाहिए, हट गया. नीचे आपका राइट साइड बन रखा था ये शेडेड सर्कल. अभी लेफ्ट साइड शेडेड सर्कल आ रहा है सब में ठीक है. और लेफ्ट तरफ आपका आ रहा था ट्राइंगल, ये लेफ्ट तरफ ट्राइंगल का राइट तरफ जाएगा लेकिन सीधा बनेगा ट्राइंगल, आपका उल्टा थोड़ी ना हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी हो गया आपके क्वेश्चन का सही जवाब. ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे. मैं साइड हो जा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाए अच्छे से. जल्दी से बताओ. देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा था एबीसीडी में से. चलो ट्राइंगल और ये जो फिगर है आपका एज इट इज रहेगा बीच वाला. बात करते हैं छोटे फिगर की. तो छोटे फिगर में बेटा जो आपका एरो है वो राइट साइड पॉइंट कर रहा है. अभी एरो आपका राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होगा.
तो अभी एरो जो राइट पॉइंट कर रहा है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे भी राइट है, अब दो जगह पे आपका एरो लेफ्ट साइड है। एरो आप देखो लेफ्ट साइड आ गया, उसके बाद आपने देखा ये जो हेक्सागन था ये लेफ्ट था, हेक्सागन आ जाएगा आपका राइट साइड, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो एक आपका बच गया है, आपकी क्लास का ऑलरेडी आधा समय जा चुका है, तो बचे हुए आधे समय में हम करने वाले हैं वॉटर इमेज के क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका मिरर इमेज के जितने भी क्वेश्चन थे, मिरर इमेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गए ना बच्चे, एक बार बता दो, एक बार यस लिख दो कमेंट सेक्शन में कि मिरर इमेज मैम अच्छे से क्लियर हो गया है, अब वाटर इमेज में मूव कर सकते हैं। तो मुझे एक बार इस चीज के लिए यस चाहिए होगा, ठीक है, एक बार मुझे इस चीज के लिए यस चाहिए होगा, सारे के सारे एक बार लिख दो यस। और देखिए क्वेश्चन में यस यस यस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी यस द नंबर ऑफ यस इन द कमेंट सेक्शन। तब हम आते हैं वाटर इमेज पे, वाटर इमेज कुछ नहीं, वाटर इमेज कुछ नहीं, अभी बताया था ना सबको यस हो गया क्लियर हो गया, वाटर इमेज मतलब कुछ भी नहीं, वाटर इमेज मतलब सिर्फ इतनी सी चीज कि आप लोगों को जो मैंने अभी बताया फिगर है उस पे अगर मिरर टॉप या बॉटम में रखा है तो चेंज क्या होता है, टॉप वाली चीज बॉटम, बॉटम वाली चीज टॉप में आ जाती है, साइड आपकी चेंज नहीं होती है, और इसी को हम वाटर इमेज कहते हैं, इसी को हम वाटर इमेज कहते हैं, ठीक है। अब वाटर इमेज के लिए अलग से रूल्स याद करने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सी चीज है जो हमने मिरर इमेज में याद किया, बस वही वाली चीज हमें याद कर लेनी है, एंड लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे, ठीक है। अलग से चीजें अगर आपको याद करें तो आप देख सकते हो, चलो आ जाओ देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपसे हो रखा है वाटर इमेज निकालनी है, वाटर इमेज का मतलब समझ जाओ कि मिरर आपका बॉटम में या फिर टॉप पे रखा है, बस आओ देखो यहाँ पे क्वेश्चन बताओ, what is the correct answer to this question, what is the correct answer, ध्यान से बच्चे बताओ, what is the correct answer to this question, क्या होगा क्वेश्चन का सही जवाब, आओ देखिए यहाँ पे, देखो अभी बच्चे क्लास में बात हो रही है वाटर इमेज की ना, तो बाकी और टॉपिक्स की बात मत करिए आप, बाकी और टॉपिक्स के बारे में जो भी आपको डिस्कशन करना है वो आप मेरे से 1:25 पे पूछना, 1:25 से लेके 1:30 बजे तक का मैं आप लोगों को आपकी बात बोलने का मौका देती हूँ, मन की बात, तो वो मन की बात का समय होता है आपका 1:25 से 1:30 बजे, लास्ट के 5 मिनट्स क्लास के, ठीक है। और देखिए इधर क्वेश्चन में क्या था, एफ आपका लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, आपका एफ राइट में नहीं जाएगा, यहाँ पे भी एफ राइट में नहीं जाएगा क्योंकि वाटर इमेज हम देख रहे हैं, एफ आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, साइड का भी चेंज नहीं होगा, अगर निकला हुआ है डंडी राइट साइड तो डंडी आपकी राइट ही निकलेगी, लेफ्ट आपकी नहीं चली जाएगी मिरर वाटर इमेज में, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर,
ओके आई एम सॉरी, आई गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल. ओके देखो बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, आपका एफ दे रखा था लेफ्ट तरफ, एफ आपका लेफ्ट है, भी एफ आपका लेफ्ट ही रहेगा, राइट नहीं जाएगा, लेफ्ट रहेगा राइट नहीं जाएगा. अब देखो एफ की मिरर वाटर इमेज बनेगी कैसी, मैंने क्या कहा, साइड चेंज नहीं होगी बेटा. तो अगर राइट साइड इसकी लाइंस है ना, तो लेफ्ट साइड इसकी लाइंस कभी भी नहीं आएंगी, लेफ्ट साइड इसकी लाइंस कभी भी नहीं आएंगी. ठीक है, ए आपका चलो सब में सेम है, फिर एम, अब जो एम है वो डब्ल्यू बन जाएगा, एम आपका डब्ल्यू बन जाएगा, एम सीधा नहीं रहेगा, एम आपका डब्ल्यू बन जाएगा. फिर एल की जो लाइन है वो राइट ही रहेगी, एल की लाइन आपकी लेफ्ट साइड नहीं आ जाएगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब. मैम क्लास क्यों नहीं चल रहा है, बेटा क्लास तो चल रहा है, क्लास तो चल रही है, क्लास कौन कह रहा है नहीं चल रही है. ठीक है, हाँ स्क्रीन एंड साउंड इस वजह से बीच में आपका पॉज क्या हो गया था, मैं साइड हो गई थी आपका क्वेश्चन करने देने के लिए. और हाँ ठीक है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे. वर्ड दे रखा है आपको न्यूक्लियर, न्यूक्लियर वर्ड दे रखा है, थोड़े से वाटर इमेज क्वेश्चन अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मैं आपको समय भी दे दे रही हूँ. ठीक है, ए बी सी डी में से बताइए. हाँ बायोलॉजी क्लास इसके बाद, नो टाइम टू रेस्ट, रेस्ट करके क्या करना है, 75 दिन का पावर पैक कोर्स है, 75 दिन में आप लोगों को, अगर आने वाले एग्जाम्स के लिए मान लो 75 दिन नहीं भी है, अगर आपके एग्जाम में थोड़ा ज्यादा टाइम भी है, तो आपका कोर्स जल्दी खत्म होगा, तो आप ज्यादा ज्यादा अच्छे से रिविजन कर पाओगे, तो इतना ज्यादा इतना थोड़ा सा प्रेशर तो लेना पड़ेगा ना आपको. आ देखो न्यूक्लियर एन अगर लेफ्ट है तो वो लेफ्ट रहेगा राइट नहीं जाएगा, लेफ्ट ही रहेगा एन, एन यू सी. अब देखो बाकी सब में यू सी सबकी इमेज सेम नहीं है, यहाँ पे यू आपका उल्टा होगा भाई, U भी तो अपसाइड डाउन होगा, U भी तो बॉटम टॉप टॉप बॉटम होगा, यहाँ पे नहीं हुआ, दो ऑप्शन चले गए आपके. L की लाइन राइट साइड है, वो लेफ्ट साइड कभी भी नहीं आएगी, वो अभी भी राइट साइड ही रहेगी, क्योंकि आपका वाटर इमेज में साइड कभी चेंज नहीं होंगे, वाटर इमेज में साइड चेंज नहीं होंगे, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब. ठीक है, ये बात हो गई, हमने कुछ कर लिया लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, लेटर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, अब हम आते हैं कुछ नंबर से रिलेटेड, और मतलब अल्फा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चंस और फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पे. अभी तक हम लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे बच्चे वो यहाँ पे फिगर से रिलेटेड मिलेंगे. ठीक है, चलो आ जाओ अल्फा न्यूमेरिक एंड देन फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं. लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देख लिए बच्चे, में लेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वो आपको होमवर्क में मिलेंगे. ध्यान से बच्चे क्वेश्चन को देख के आंसर करना, ध्यान से बच्चे क्वेश्चन को देखिएगा आंसर करिएगा. बाकी जो आप लोगों के सिंगल लेटर मतलब ए की वाटर इमेज कैसी बनती है, बी की कैसी बनती है, डी की कैसी बनती है, सी कैसी बनती है, वो सब मैं आप लोगों को दे दूंगी इसी पीडीएफ में. ठीक है, अब देखो इधर डी राइट साइड निकला है तो वो राइट ही रहेगा, वो लेफ्ट नहीं आ जाएगा, वो लेफ्ट कभी भी नहीं आएगा. ठीक है, क्लियर है, बताओ डी का जो राइट तरफ उसका सर्कुलर पोर्शन है वो राइट ही रहेगा, वो लेफ्ट कभी नहीं आएगा, आपने ये देख लिया. फिर देखो चलो दोनों में एस, ये दो ऑप्शन चले गए आपके, दोनों में ये ठीक है. अभी जेड की अगर बात करते हैं, जेड की बात करते हैं बेटा अपसाइड डाउन मतलब ऊपर नीचे होगा, तो ये देखो ये नीचे लाइन आज रहेगी, लेकिन लाइन ये तो आपकी ऐसे आएगी ना, लाइन आपकी ऐसे आएगी तो आपकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, आपकी मिरर इमेज बनेगी थ्री जैसी, आपकी मिरर इमेज बनेगी थ्री जैसी, ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, थ्री हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब. ठीक है, क्लियर है, थ्री हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी थ्री इज द करेक्ट आंसर. चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखो राज 589D8. ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आर की लाइन राइट साइड है, राइट ही रहेगी, लेफ्ट नहीं आएगी, यहाँ लेफ्ट आ गई दो जगह पे, यहाँ लेफ्ट आ गई, हटा दो दोनों को हटा दो. फिर देखो आप ए एज इट इज है, चलो जे का सर्कुलर पोर्शन कहाँ है, लेफ्ट तरफ, ये राइट तरफ थोड़ी ना चला जाएगा, साइड नहीं चेंज होगा, ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब.
ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब, लैग हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा बच्चे, अगर लैग हो रहा है बहुत ज्यादा तो इसको एक बार हम रिजॉल्व कर लेंगे अपने टेक टीम से बोल के, एंड अपने बैकएंड पे भी देख लेंगे कि क्या सच में लैग आ रहा है या फिर आप लोग की तरफ नेटवर्क का इशू है। ठीक है, तो नेटवर्क इशू होगा तो कोई बात नहीं, अगर लैग आ रहा होगा तो फिर हम उसको सही कर लेंगे। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो बच्चे आप लोग, अगर अभी भी लैग आ रहा है तो। देखो बेटा लैग आ रहा है ना तो वो मुश्किल से कुछ सेकंड्स का लैग होता है, तो प्लीज बियर कर लिया करिए या फिर रिफ्रेश कर लिया करिए। अगर रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं सही हो रहा है तब बताओ कि मैम रिफ्रेश कर लिया अभी भी नहीं सही हो रहा है लैग। ठीक है, तब बताना आप लोग कि मैम रिफ्रेश कर लिया लेकिन उसके बाद भी लैग नहीं सही हो रहा है। क्लियर है? अभी ठीक है, अभी ओके है? आई जस्ट वॉन्ट टू कंप्लीट दिस एंटिसिपेटेड टॉपिक, भाई बहुत दिन से चल रहा है। ठीक है, बफरिंग हो रहा है। यहां पे आंसर आ गया आप लोगों का, आंसर आ गया यहां पे आप लोगों का। हाँ जी, वन यहाँ पे हो गया क्वेश्चन का सही आंसर, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करिएगा। एक बार रिफ्रेश करके देख लो बच्चे, अगर क्लियर हो गया है आपके एंड पे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, इस क्वेश्चन को करके देख लो। नाउ क्लियर? नाउ ओके? ठीक है, अभी ओके है? चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखें क्या बोला गया है एबीसीडी में से, लेट्स सी। ओके, ए की मिरर इमेज, चलो वाटर इमेज, चलो ठीक है। अभी वन वन की बात करें अगर, तो लेफ्ट तरफ इसकी एक लाइन है, लाइन आपकी राइट तरफ नहीं आएगी, लेफ्ट तरफ रहेगी, और ऊपर तो अपसाइड डाउन भी होगा, तो ये आपका तो सीधा ही सीधा बन रखा था। दो ऑप्शन चले गए, दो ऑप्शन बचे अपने पास, दो चले गए, दो ऑप्शन बचे अपने पास। अब इसमें से इन दोनों में से कौन सा सही होगा देखते हैं। एम आपका डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, थ्री है, थ्री आपका अगर लेफ्ट तरफ है तो वो लेफ्ट ही रहेगा, ये आपका राइट साइड नहीं बन जाएंगे इसके गोले, लेफ्ट तरफ ही रहेंगे। ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। नाइन का सी होगा क्वेश्चन का सही जवाब, यस सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देख के बताओ बच्चे व्हाट इज द करेक्ट आंसर दिस वन, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, वन टू थ्री फोर में से या फिर एबीसीडी में से बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं, ए है इसका मिरर वाटर इमेज बनेगी तो उल्टा होगा, यहां तो हुआ नहीं, ठीक है, लेफ्ट तरफ है ये राइट तरफ चला गया इसका सर्कल, चलो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, फोर में देखो ये ट्राइंगुलर पोर्शन लेफ्ट तरफ था, ट्राइंगुलर पोर्शन आपका राइट साइड जा रहा है तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर टू होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलो ये हो गए हमारे कुछ अल्फाबेट और इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन, अब आते हैं फिगर वाले क्वेश्चन पे। फिगर वाला क्वेश्चन है, मिरर इमेज बतानी है, ध्यान से देख के बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, क्या होगा बच्चे आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। एबीसीडी में से आंसर करिएगा। मैम की क्लास में कुछ ज्यादा ही लैग हो रहा है, मैम की किस्मत ही खराब लग रहा है। अभी ठीक है, सब ठीक है, अभी लैग बेटा। अब देखो था क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, एरो आपकी नीचे की तरफ जा रही थी बॉटम में तो वो टॉप में जाएगी, और टॉप में कहां, अगर ये जा रही थी राइट साइड तो टॉप में भी राइट साइड ही जाएगी, यहाँ टॉप में लेफ्ट जा रही है, टॉप में राइट, इन दोनों जगह पे जा रही है ना, इन दोनों जगह पे जा रही है। फिर आप देखो ये जो सर्कल थे आपके दो, ये अगल बगल रखे थे, ऊपर नीचे थोड़ी ना हो जाएंगे, ये ऊपर नीचे थोड़ी ना हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी बोल रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, थ्री होगा क्वेश्चन का सही जवाब, थ्री इज द करेक्ट आंसर। टू 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 बोल रहे हो, किस बेसिस पे टू बोल रहे हो, टू किस बेसिस पे, अच्छा इससे पहले वाले का आंसर कर रहे हो क्या टू, फिलहाल इसका मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, इलेवेंथ का सी है। चलो ट्वेल्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के आंसर करिए ध्यान से, क्वेश्चन देख के ध्यान से आंसर करिएगा।
अब देखो यहाँ पे लेफ्ट तरफ एरो था, एरो लेफ्ट ही रहेगा, एरो तुम्हारा लेफ्ट ही रहेगा, यहाँ एरो राइट चला गया, हटा दो। ठीक है, फिर ये अगर लेफ्ट था तो ये भी लेफ्ट रहेगा हेक्सागन। बाकी अब बात आती है आपकी इस वाले फिगर की, जिसकी बेसिस पे मैं आंसर करना था। ये जो आपका स्क्वायर फिगर है, इसमें आपका शेडेड पोर्शन कहाँ है? इसमें आपका शेडेड पोर्शन ये है बेटा, ये है आपका शेडेड। अब देखो इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी, इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी, ध्यान हमें देना था। बॉक्स तो एज इट इज रहेगा अपना, लाइन आपकी राइट से लेफ्ट ही आएगी। ठीक है, बताओ मेरे को, लाइन आपकी राइट से लेफ्ट आएगी, क्योंकि राइट लेफ्ट का तो चेंज होता नहीं है, राइट लेफ्ट का तो चेंज नहीं होता है बेटा, लेकिन ऊपर नीचे तो होता है, ऊपर नीचे होता है आपका, ऊपर नीचे होगा। लाइन कैसे आएगी बताओ, ये लाइन कैसे आएगी बताइए, ये लाइन बेटा आएगी आपकी इस तरफ, और आपका लेफ्ट तरफ शेडेड था, तो शेडेड आपका अभी भी लेफ्ट तरफ ही रहेगा, शेडेड आपका राइट साइड नहीं जाएगा। यहाँ पे शेडेड देखो राइट साइड था, यहाँ पे भी शेडेड राइट साइड था, शेडेड आपका जो था लेफ्ट तरफ अगर था तो वो लेफ्ट तरफ ही रहेगा, शेडेड ऑप्शन नंबर वन होगा। इसलिए आपके क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, यस, हेंस ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करो। कंफ्यूजिंग होते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कह सकते आपकी कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देख के आंसर करिए तो कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगे। अगर सोचो कि ऐसे बस 2 सेकंड में कर लेंगे तो लगेंगे कंफ्यूजिंग। देखो ये 2 लाइंस आपकी लेफ्ट तरफ थी, लेफ्ट तरफ ही रहेंगी, राइट तरफ आपकी 2 लाइंस नहीं जाएंगी। ठीक है, ट्राइंगल आपका ऊपर था, टॉप में था, तो बेटा ट्राइंगल अब आपका बॉटम में आएगा। ट्राइंगल आपका ऊपर था तो ट्राइंगल आपका बॉटम में आएगा, वो भी टेढ़ा होके। ट्राइंगल आपका बॉटम में यहाँ सीधा है, यहाँ अभी भी टॉप पे है, बॉटम में आपका टेढ़ा होके। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। इज दैट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं। बताइए क्या होगा सही जवाब। अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, ये फिगर टॉप पे आना चाहिए, अगर शेडेड बॉटम में है तो शेडेड अब टॉप पे होगा, शेडेड टॉप पे होगा, एक ऑप्शन चला गया। लेफ्ट अगर एक्स है तो एक्स आपका लेफ्ट ही रहेगा, राइट साइड नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये बॉक्स है आपका, ये उल्टा होगा, कैसा दिखेगा, ये उल्टा होगा, ये आपका कैसा दिखेगा बच्चे, जब ये रिवर्स होगा तो सेम फिगर थोड़ी ना रहेगा, जब ये रिवर्स होगा तो सेम फिगर थोड़ी ना रहेगा, यहाँ तो अभी भी सेम फिगर है, ऑप्शन नंबर 3 जैसा जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करिए, वाटर इमेज का एक और बेहतरीन सा सवाल। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को आओ देखते हैं, वाटर इमेज का सवाल है, ये टॉप में है सर्कल, अभी सर्कल बॉटम में आएगा, बॉटम में आएगा लेकिन राइट साइड ही रहेगा, बॉटम में यहाँ पे राइट साइड है, यहाँ बॉटम में खाली, यहाँ बॉटम, यहाँ टॉप पे है, हटा दो, बॉटम में राइट साइड। और देखो ना बेटा ये एकदम ऊपर है, ये एकदम नीचे आना चाहिए, दोनों जगह पे एकदम नीचे आ रहा है, एकदम सही बात है। चलो आ जाओ, ये आपका लाइन से सटा हुआ ट्राइंगल था, सीधा ट्राइंगल था बेटा, अभी लाइन से सटा हुआ ना उल्टा ट्राइंगल बनेगा, उल्टा ट्राइंगल, यहाँ तो अभी भी सीधा ट्राइंगल है, ये भी ऑप्शन चला गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया ना क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3 हो गया ना आपके क्वेश्चन का सही जवाब, हुआ कि नहीं हुआ बताओ, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर है? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो तो यहाँ पे बेटा आपका जो वाटर इमेज है, बेसिकली अगर हम बात करें वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज आपका खत्म यहाँ पे हम करते हैं, क्योंकि वाटर इमेज में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी चीज़ें, एक ही कॉन्सेप्ट है वो आपका लगना है हर एक टाइप के क्वेश्चन में। अब मैं आपको वाटर इमेज के क्वेश्चन जो होंगे वो होमवर्क में दूंगी। अब आपका जो डाउट सेशन का टाइम है वो शुरू हो रहा है, जैसे कि आपको पता है क्लास के आखिरी के 5 मिनट्स में मैं आपको डाउट्स पूछने का मौका देती हूँ, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। चलो आ जाओ सब लोग पूछ लो इस विषय से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके, ठीक है, जितने भी डाउट्स हैं आपके इस विषय से रिलेटेड सब लोग जल्दी से पूछ लो एक बार।
क्विकली, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बेटा, थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस थोड़ी कम कर रखी है। ओके, एनी अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या होगा ये डाउट नहीं है, ये तो आप लोग ऐसी चीज पूछ रहे हो जो कि वो है थोड़ी ज्यादा कोविटेड है। अब अगला टॉपिक क्या होगा ये कल देखते हैं आप लोग, कल सब लोग देखते हैं।